नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन एन क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जानकारी संबंधित है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK SSSC ने नई विज्ञप्तियाँ यहाँ पे जारी की हैं। और जो कि विज्ञप्ति आपको पता है, आप जानते हैं 27 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी हो गई थी। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इस विज्ञप्ति के बारे में सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे विस्तार से बताने वाला हूँ, आवेदन की इसकी तिथि, आयु बताने वाला हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कि इसमें पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कौन से स्तर के इसमें प्रश्न होंगे, कौन सी बुक्स आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए हमारे चैनल पर इसका, क्योंकि देखिए ये पेपर पहले भी हो चुके हैं तो मैं इसके पेपर भी अपलोड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ कि कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी पोस्टें हैं इसमें। तो चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो विज्ञप्ति आई है ये दो डिपार्टमेंट में आई है। एक तो आई है पशुपालन विभाग में और दूसरी आई है रेशम विभाग में। तो देखिए, पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसे हम लोग वेटनरी डॉक्टर भी कहते हैं, और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है ऋषिकेश पशुलोक में। तो पहले ये जो पेपर था ये UBTR करवाता था, तो इसके 120 पद आए। दूसरा जो है वो रेशम विभाग में आया है, दो पद, मतलब दो तरह के पद हैं। एक पहला तो है रेशम प्रदर्शक या अधिदर्शक, जिसके 26 पद आए, और दूसरा है रेशम निरीक्षक यानी सिल्क इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा पद है, 3 पदों के लिए। तो इस तरह कुल मिला के ये हो गया आपके 149 पद। अब आगे देख लेते हैं कि कब ये विज्ञप्ति आई। तो देखिए, ये आई थी 27 फरवरी 2020 को। आवेदन आप शुरू कर पाओगे 2 मार्च 2020, यानी कल से आप शुरू कर पाओगे, और 31 मार्च 2020 तक इसकी जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो है 2 अप्रैल 2020। अब इन्होंने जो यहाँ पे लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिया है वो दिया है जून माह 2020। तो गर्मियों में पेपर होगा आपका ये, आप मेहनत कर सकते हैं, अभी 2-3 महीने बचे हैं, चूँकि सिलेबस इसका सीमित है। अब मैं आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है आपको, और आप बिल्कुल पेपर क्रैक कर पाएंगे ये। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुल पद इसमें 149 हैं, लेकिन देखिए 149 जो पद हैं इसमें आपके इनके विभागीय पद भी दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसे हम वेटनरी डॉक्टर भी कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, टोटल पद हो गए आपके 108। वैसे इसमें जो पद थे वो उस जो कुल पद थे उसमें से 85% पद ही, मतलब सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं, बाकी 15% जो पद हैं वो ये विभागीय पदोन्नति से भरेंगे या विभाग वालों के लिए भरेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको योग्यता बता देता हूँ कि योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आयु 21 वर्ष से अधिक और 42 वर्ष से कम होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता यानी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस पद के लिए स्नातक चाहिए, ध्यान रखिएगा, बाकी जो दो पद हैं उनके लिए 12 चाहिए, लेकिन इस पद के लिए स्नातक चाहिए। और किस विषय से चाहिए, या तो जीव विज्ञान होना चाहिए या कृषि या एनिमल हस्बेंड्री। तो इन तीन विषयों में से किसी एक में से आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इस पेपर को भर पाओगे यानी इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अब यहाँ पर अधिमानता दी गई है। अधिमानता देखिए किसको देंगे, कि समान अंक अगर आते हैं तो जिस आदमी की आयु ज़्यादा होगी उसको ये लोग अधिमानता देंगे। अब देखिए, अब लिखित परीक्षा क्या होगी, तो लिखित परीक्षा सेम है, तीनों में ही सेम होनी है, उस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो है ये 10% जो है विभागीय कर्मिकों हेतु है, ये 10%, 15 नहीं हो 10% है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है, ये जो विभाग में है इनके, ये उनके लिए है। अगला जो है ये है रेशम अधिदर्शक या प्रदर्शक, तो इसके दे रखे उन्होंने 26 पद, कुल 26 पद हैं। और जिसमें से देखिए OBC के लिए कोई पद नहीं दिया है, यहाँ पे OBC के लिए कोई पद नहीं है, बाकी अन्य अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 है, सामान्य के लिए 20 है, टोटल मिला के हो गए 26 पद। अब इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या है, देखिए तो आयु सेम है 18 से 42 वर्ष, यानी 18 वर्ष से अधिक और 42 वर्ष से कम। शैक्षिक अर्हता इसमें 12th चाहिए। देखिए, जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट या
कृषि विज्ञान, यानी आपका ट्वेल्थ जो है वो इंटरमीडिएट जो होना, ट्वेल्थ जो होना चाहिए या तो बायोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर से हो, तो आप इसे भर पाओगे। और इसके लिए भी पेपर का देखो, पेपर तीनों में ही एक तरह का होगा, मैं भी बताऊंगा आपको आगे लास्ट में इसमें, तो आप अंत तक इसमें बने रहें। अब अगला पद देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी अच्छा पद भी है, सिल्क इंस्पेक्टर। तो कुल पद है देखिए तीन कुल पद हैं, सामान्य के दो हैं, अनुसूचित जनजाति का एक है, बाकी ना तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, ना ही अनुसूचित जाति के लिए। तो आप इसे सामान्य, यानी कि आप सामान्य, अपने आप को सामान्य शो करके इसमें इसे भर सकते हो, अच्छा पद है चूंकि ये। अब देखिए आयु सीमा बिल्कुल वही है, 21 वर्ष से 42 वर्ष, लेकिन देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता थोड़ा सा चेंज है। अब क्या चेंज है, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी बीएससी मांग रहे हैं इसमें, कि आपकी बीएससी होनी चाहिए। अब बीएससी जो होनी चाहिए वो बीएससी आपकी या तो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए या होनी चाहिए जीव विज्ञान से। अब अधिमानता भी देंगे ये इसमें, अगर किसी ने एमएससी करी हुई है प्राणी विज्ञान से यानी जूलॉजी से, जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, उसको अधिमानता मिलेगी यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए अब आगे जो है, अब मैं इसमें ये तीनों में हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका स्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें ट्वेल्थ स्तर तक के प्रश्न आएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं स्तर तक के प्रश्न होने आने हैं इसमें, यानी ट्वेल्थ स्तर के प्रश्न होंगे। चूँकि ये पेपर पहले भी हो चुके हैं, तो मैं अभी कुछ समय बाद इसका पेपर भी अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। अब आप देखिए पेपर कैसा होगा इसका, तो पेपर के बारे में एक बात बात कर लेते हैं। तो देखिए 100 नंबर का पेपर होना है इसमें, 100 नंबर का पेपर होना है, 2 घंटे का होगा ये, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना है। अब देखिए सिलेबस में दो चीज़ें होंगी इसमें केवल, यानी एक तो बायोलॉजी होगा, यानी तीनों पेपर के लिए या तो आप बायोलॉजी पढ़ लो प्लस आप एग्रीकल्चर पढ़ लो। अब देखिए एग्रीकल्चर में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बायोलॉजी में आपका जूलॉजी भी आ जाएगा, बॉटनी भी आ जाएगा, और एग्रीकल्चर में आपका हॉर्टिकल्चर भी आएगा और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एक अलग से जो है भाग आता है एग्रीकल्चर में, जिसमें पशुपालन के बारे में पढ़ा जाता है। तो इन सब विषयों के मिला के इसमें प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, थोड़ा सा फीस के बारे में बता देता हूँ। तो फीस देख लीजिए जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये है, बाकी एससी एसटी और ये हैंडीकैप्ड जो, और जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनके लिए 150 रुपये। तो ये हो गई फीस। अब आता है बुक, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको बुक क्या पढ़नी है। तो देखिए उत्तराखंड में जब भी कोई पेपर इस तरह का हुआ है, पीछे रेशम अधिदर्शक का पेपर भी हो चुका है, साथ ही साथ ये रेशम निरीक्षक का भी पेपर हो रखा है, दोनों ही पेपर ये हो रखे हैं एक बार के, तो इसमें एनालिसिस करके आपको कौन सी बुकें लेनी चाहिए। तो देखिए आप बायोलॉजी का, कृषि बायोलॉजी का जो ये परीक्षावाणी का आता है अलग से बुक जीव विज्ञान नाम से, तो उसको पढ़ लीजिए आप एक तो, और साथ ही साथ कृषि विज्ञान के लिए भी आप उसी की कृषि एवं प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए। यानी ये दो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से 100% नहीं आएगा, मैं पहले बता दूँ 100% नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें से 70-72 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी 70 से 75% का जो प्रश्न पत्र है इन्हीं पुस्तकों से बनता है, क्योंकि ये पेपर पहले भी हो चुका है और पहले भी ये पेपर दिया गया था, तो इसमें 75% भाग जो है इन दो बुकों से आया है। तो देखिए आप एक बार फिर से सुन लीजिए, बायोलॉजी की परीक्षावाणी और कृषि एवं एग्रीकल्चर की परीक्षावाणी दोनों ही आप पढ़ लीजिए। देखिए अगर आप इन दोनों बुकों को क्लियर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए मैं यहाँ पे अपने चैनल पे भी इसके अब वन दरोगा, क्योंकि देखिए वन दरोगा में भी सेम चीज़ यही आनी है, वन दरोगा का भी यही सिलेबस है कहीं ना कहीं, बस उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट अलग से जोड़ा गया है, बाकी सेम यही है। तो आप देखिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, वन दरोगा हो गया, पशुधन प्रसार अधिकारी हो गया, रेशम अधिदर्शक हो गया, रेशम निरीक्षक हो गया, सबके लिए आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। तो आप लग जाइए मेहनत से, एक बार बायोलॉजी पूरी कर लीजिए, साथ ही साथ मैं तो अपने चैनल पर डालूंगा ही, तो आप उन वीडियोस को भी देखिएगा, मॉडल पेपर कीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास भी शुरू होगी तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। तो देखिए दोस्तों ये है ये वैकेंसी, और आप इसे भर लीजिए, और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे प्रभाव में लाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।